वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज मैं आपको सेल बायो का टॉपिक करवाऊंगी जिसका नाम है मेटोसिस। सो सबसे पहले तो मेटोसिस को पढ़ने से पहले हमें सेल डिवीजन पढ़ना पड़ेगा। सेल डिवीजन का मतलब क्या है कि जो हमारा सेल डिवाइड करता है टू और फोर डॉटर सेल्स में। जो सेल डिवीजन होती है उसकी मेनली थ्री टाइप्स होती हैं, जिसमें मेटोसिस, मेयोसिस और ए मेटोसिस होती है। जो ए मेटोसिस होती है वो अनकॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, और इसमें जो न्यूक्लियस है वो इनलार्ज करता है, इलोंगेटेड है और डिवाइड डायरेक्टली विदाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमेटिन। मतलब इसमें जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अनइक्वल होती है, मतलब वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता। जो ये ए मेटोसिस है वो हमारा पेरेन्युशियम और एंडोस्पर्म सेल में देखी जाती है। सो बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मेटोसिस, और जो मेयोसिस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। सो मेटोसिस क्या है, जिसमें हमारा सेल डिवाइड करता है टू डॉटर सेल विद रिटेनिंग सेम क्रोमोसोम। मतलब उसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो सेम होंगे, और ये क्या करता है, ये रिजल्ट करता है कि सोमैटिक सेल की फॉर्मेशन करे। और जो नेक्स्ट है वो है कि जो इसमें क्रोमोसोम का नंबर है वो इक्वल होता है। जो हमारा मदर में नंबर होगा वही हमारा डॉटर सेल में होगा। और जो ये मेटोसिस की टर्म है ये हमारी वेल्थर फ्लेमिंग के द्वारा दी गई है। इसमें दो स्टेज पाई जाती हैं, क्रायोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। जो फर्स्ट स्टेज है क्रायोकाइनेसिस, इसमें हमारी स्टेजेस है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। ये मैं आपको सारी स्टेजेस के बारे में पढ़ाऊंगी। सो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्रायोकाइनेसिस होता क्या है, इसमें हमारी न्यूक्लियस की डिवीजन हो। जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा अंडरगो अ सीरीज ऑफ चेंज टू फॉर्म टू डॉटर सेल। मतलब न्यूक्लियस को, मतलब न्यूक्लियस में चेंजेस आते हैं ताकि दो डॉटर सेल को फॉर्म कर सकते हैं। और इसकी स्टेजेस तो हमें पता ही है, प्रोफेस, मेटाफेस और एनाफेस और टीलोफेस। सबसे पहले तो हम प्रोफेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेस में क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या करता है, कंडेंस स्टार्ट हो जाता है, ताकि वो कंडेंस होना शुरू हो और वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है। और जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो कॉइलिंग करना शुरू कर देता है। जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हो, इसमें हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो कॉइलिंग करना शुरू कर रहा है, और इसमें हमारे टू सिस्टर क्रोमेट्स भी है। जो इसमें हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो भी न्यूक्लियस के अंदर डिसअपेयर करना शुरू हो जाता है। और जो डॉटर सेंट्रोइल है वो एक साइड में मूव करना शुरू कर देते हैं, जो कि पोलर पोजीशन में है। और सो ये था हमारा प्रोफेज, जिसमें हमारा जो क्रोमोसोम है वो कॉइलिंग करना शुरू कर देता है, और जो हमारी डॉटर सेंट्रोइल है वो एक पोलर पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी मेटाफेस। मेटाफेस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो इक्वेटोरियल प्लेन के मतलब अंदर आ जाती है। जैसे आप इसके डायग्राम भी देख सकते हो, इसमें हमारी स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। एक ऊपर हमारा क्रोमोसोम है, एक नीचे, जिसमें हमारी स्पिंडल फॉर्मेशन बन चुकी है। और जो क्रोमोसोम होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स के बीच में अटैच हो जाते हैं, जैसे इसके बीच में भी हैं। सो ये था हमारा मेटाफेस, जिसमें हमारी स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाती है। तो वो हमने याद रखना है कि जो हमारी प्रोफेस होती है उसमें हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो कॉइलिंग करता है, और जो डॉटर सेंट्रोइल है वो पोलर पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। और मेटाफेस में हमारी स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, और क्रोमोसोम वो क्या है, स्पिंडल फाइबर्स में अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा एनाफेस, जो कि हमारी थर्ड स्टेज है। इसमें हमारा क्या करता है, इसमें हमारा सेंट्रोमर वो क्या करता है, डिवाइड करना शुरू कर देता है दो। जो हमारे बीच में हमारे क्रोमोसोम थे उसमें जो सेंट्रोमर है वो दो में डिवाइड करना शुरू कर देता है, और क्रोमेट सेपरेट होना शुरू कर देता है। जैसे हम इसमें भी देख रहे हैं कि जो हमारे बीच में सेंट्रोमर्स है वो डिवाइड होना शुरू कर देते हैं और डॉटर क्रोमेट बनना शुरू हो गए। और नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारे क्रोमेट्स बने हैं उसको हम डॉटर क्रोमोसोम अब कहेंगे, कि वो दो में डिवाइड हो गए हैं। तो ये था हमारा एनाफेस, जिसमें हमारे जो सेंट्रोमर है वो डिवाइड हो जाता है टू में, और क्रोमेट क्या है, सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज, जो लास्ट स्टेज है, उसका नाम है टीलोफेज, जो कि लास्ट स्टेज है। इसमें हमारा जो डॉटर क्रोमोसोम है वो अनकॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमने फर्स्ट स्टेज में पढ़ा था एनाफेज में, कि वो जो क्रोमोसोम है वो कॉइलिंग करना शुरू कर देते हैं, और लास्ट स्टेज में ये क्या करते हैं, अनकॉइलिंग हो जाते हैं। जो और इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो रीपेयर हो जाती है,
और जो हमारा स्पिंडल फाइबर्स भी बने थे वो भी डिसअपेयर हो जाते हैं, और हमारे दो डॉटर सेल्स, दो डॉटर न्यूक्लाई है वो फॉर्म होना शुरू कर देती है। जैसे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमारे दो डॉटर न्यूक्लाई फॉर्म हो गए हैं, जिसमें हमारा दोनों का अलग अलग न्यूक्लियर, एक इसमें न्यूक्लियर जो इन्वॉल्व है वो भी फॉर्म होना शुरू हो गई है। तो ये था हमारे मतलब स्टेजेस, जो मेटोसिस की स्टेजेस थी। अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? इसमें हमारा साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, मदर सेल के साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। जो साइटोकाइनेसिस का डायग्राम है वो भी टेलोफेज की तरह ही होता है। सो नेक्स्ट है कि मेटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, मेटोसिस का मतलब फ़ायदा क्या है। इसमें जो हमारी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, और हीलिंग, रिपेयर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट हो, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, हीलिंग की और रिपेयर की सारा काम जो है मेटोसिस ही करते हैं। और मेटोसिस क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को भी मेंटेन करके रखता है, और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो ही मेटोसिस की इंश्योर करती है कि जैसे हमारे दो सेल डिवाइड हुए हैं, डॉटर सेल आए तो उसमें इक्वल जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। और ये क्या करता है, सिग्निफिकेंट रोल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें आपको पता ही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो ये उसमें भी एक सिग्निफिकेंट रोल मतलब प्ले करता है। सो ये था हमारा मेटोसिस। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मेटोसिस पढ़ाऊँगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ताकि मैं आपको न्यू और न्यू वीडियो दे सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।